हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. It's a new video here for you and we are going to talk about chahiye chahiye tha. Most of my students, when they don't know about models, they always ask me to let them know how to make sentences using chahiye chahiye tha. तो कैसे बनाए चाहिए चाहिए था। यू मस्ट अंडरस्टैंड वी ऑलवेज यूज शुड, ऑफ कोर्स वी यूज मस्ट ऑल्सो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मस्ट हियर, दैट वील टॉक इन अनदर वीडियो। मस्ट एंड ऑट टू, दैट इज ऑल्सो चाहिए चाहिए था। तो हम यहाँ पे शुड की बात करते हैं। तो देखिए, चाहिए था या चाहिए, चलिए मस्ट भी हम पढ़ लेते हैं। मस्ट ऑट टू, तो सजेशन जब आप किसी को दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको रोज सुबह घूमने जाना चाहिए, आपको ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, या आपको उसकी सहायता करना चाहिए, आपको तेज भागना चाहिए बस पकड़ने के लिए, या आपको दवाई लेना चाहिए सही होने के लिए, रिकवर होने के लिए, तो अलग अलग सेंटेंसेस में शुड मस्ट ऑट टू यूज करेंगे, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। और जब चाहिए था होगा तो फिर वो एक अलग स्ट्रक्चर में बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले चलते हैं, ये मॉडल है तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हम ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल यूज करेंगे, उसके बाद हम V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको रोज सुबह घूमने जाना चाहिए, तो एक सिंपल सजेशन है, ठीक है। तो यू शुड गो फॉर ए वॉक एवरी डे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया इसको, ठीक है। यू शुड गो फॉर ए वॉक एवरी डे। इसी तरह हम और ले सकते हैं सेंटेंसेस, लाइक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये तो एक सिंपल था, यू शुड गो फॉर ए वॉक एवरी डे, एक सिंपल सजेशन है। लेकिन मस्ट हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग सजेशन हो, जब आपको कोई सलाह दे और आपको इसलिए दे रहा है कि वो आपके लिए जरूरी है, इसलिए मस्ट का यूज हम उसमें करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, तो अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, इसलिए मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। तो ये इसलिए स्ट्रॉन्ग सजेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट करेंगे जहाँ पे आपका ही नुकसान होने वाला है अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। और शुड सिंपल सजेशन है। अभी ऑट टू में क्या होता है, चाहिए जहाँ पर मॉरल ड्यूटीज होती है, जहाँ पे आपको ऐसा करना इसलिए चाहिए क्योंकि अच्छा है सबके लिए, आप करोगे तो लोग आपके लिए करेंगे। तो वी लिव इन सोसाइटी एंड इफ
And definitely we have got some duties. So to fulfill these duties, we use ought to. Like, we ought to follow the traffic rules. तो करना चाहिए ताकि दूसरों को भी अच्छा होगा. आप फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको तो होगी ट्रैफिक में, दूसरों को भी होगी. तो मॉरल ड्यूटीज क्या है? वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो इसमें ऑट टू आ गया. या वी ऑट टू हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करना चाहिए. वी ऑट टू हेल्प द पुअर. अभी द क्या यूज किया? देखिए, पुअर एक गरीब होता है, द पुअर करने से प्लूरल हो जाता है. ठीक है, वी ऑट टू हेल्प द पुअर. तो ये तो हो गया आपका चाहिए. लेकिन जब चाहिए था तो इसमें स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट प्लस, तो ये पूरा मॉडल आप यहां पे रख दीजिए, प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे चाहिए था के लिए. तो चाहिए था, तो अब सीधा सा वही स्ट्रक्चर उठाना है कि आपको जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए था. You should have gone there. You should have gone there. आपको बाहर जाने से पहले कमरे का ताला लगाना चाहिए था. ये must भी यूज कर सकते हो आप इसमें. You must have locked the door before इसमें should का ये एक्चुअली वो फिर उसमें आ जाएगा संभावना पॉसिबिलिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो यहाँ पे should का ही यूज करिए आप. ठीक है, यू शुड हैव लॉक द डोर बिफोर यू वेंट आउट. ठीक है, तो ये हम इसमें यूज कर लें. अब ऑट टू का जैसे कि आपको रेड लाइट पे नहीं निकलना था, तो या आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए था, तो यू ऑट टू हैव फॉलोड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ, चाहे तो नहीं तो इट्स ओके, आप बना सकते हैं. यू ऑट टू हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स. तो ये सिंपल सा मैंने आपको बताया, चाहिए चाहिए था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, दूसरे लोगों को फायदा होता है, देखने से सीखते हैं वो लोग भी. जो लोग मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते वो लोग कम से कम वीडियो देख के तो सीख सकते हैं. और आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ईमेल आईडी एंड स्काइप आईडी हियर इन दैट वीडियो. अगर आपको लगता है आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर, स्काइप रिक्वेस्ट भेजकर. फिर हम बात करने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो देख के सीख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो. थैंक यू.